वेलकम टू फंकीनेस विद भावना। तो आज मैं कोई हॉल वीडियो या कोई शॉपिंग एक्सप्लोरिंग मार्केट ऐसी कोई वीडियो नहीं लाई हूँ। आज मैं लाई हूँ सिर्फ एक रिग्रेट बाइंग दीज प्रोडक्ट्स काइंड ऑफ वीडियो। मेरे साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑनलाइन कुछ मैं मंगाती हूँ और वो जब आ जाता है तो उसके बाद लगता है यार पैसे पट गए, और ऐसा कई बार हो चुका है मेरे साथ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है तो मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कि आपके साथ क्या हुआ था और कौन सी वेबसाइट से हुआ था। तो होता क्या है ना, हम बेसिकली दूसरे यूट्यूबर्स या सोशल इन्फ्लुएंसर्स को देख के इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम अपनी रिसर्च करना भूल जाते हैं, और कई बार रिसर्च भी कर लेते हैं तो हम इतने कन्विंस्ड होते हैं कि हम उसी तरफ की बात सुनते हैं। तो मैं भी आप ही की तरह बहुत ज़्यादा टेम्प्ट होती थी। कई बार मैं purple.com पे जाती थी और प्रोडक्ट्स ऐड करती थी कार्ट में और फिर छोड़ देती थी, फिर रिव्यू देखती थी और फिर मुझे लगता था हाँ ये प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा है, इसको मेरे को ज़रूर ख़रीदना ही चाहिए। तो मैं नेक्स्ट टाइम जाती थी, ये कई दिनों के रिव्यू के बाद मैंने सोचा कि ओके लेट्स बाय इट, लेट्स सी कि ये वर्क करता है कि नहीं। और अब मैं ये नहीं कह रही कि सारी यूट्यूबर्स गलत हैं या ये ब्रांड्स गलत हैं, हो सकता है कि ये प्रोडक्ट्स शायद मेरे लिए वर्क नहीं करें। तो डिस्क्लेमर है कि प्लीज़ मुझे फॉरगिव करना अगर ये प्रोडक्ट्स आपके लिए वर्क करें लेकिन ये मेरे लिए नहीं करें, इससे आई रिग्रेट बाइंग दीज प्रोडक्ट्स और मुझे नहीं लगता कि मैं ये प्रोडक्ट्स दोबारा खरीदने में पसंद करूँगी। आप चाहें तो ये प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं, एक बार मेरा ये रिव्यू सुन लो, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि अच्छा है कि बुरा है। अभी कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने purple.com से मंगवाए और मैंने बहुत ही रिग्रेट करा, मुझे लगा जैसे मेरे पैसे वेस्ट हो गए। purple.com पे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत अफोर्डेबल हैं, उन पर डिस्काउंट्स भी कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, इसलिए कि अफोर्डेबल और रीजनेबल तो हैं लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं। तो इसमें सबसे पहले मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे पपाया फेस ग्लो मास्क के बारे में। तो ये प्रोडक्ट ऐसा लगता है, मैं आपको क्लोज़अप शॉट भी दे दूँगी और इसको मैंने यूज़ करके मुझे कैसा फील हुआ मैं वो भी बताती हूँ। तो ये प्रोडक्ट MRP इस पे लिखी है 225, मगर ये मुझे पड़ा है 158 रुपीज़ का। आई थिंक डिस्काउंट purple.com पे हर थोड़े आए दिन पे चलते रहते हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट मैंने सोचा कि ओके लेट्स ट्राई न्यू फेस मास्क, जिसमें इतना कुछ क्लेम कर रहे हैं कि नेचुरल है और बहुत अच्छा है, इफ़ेक्टिव है। तो मैंने ये मंगाया और इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी पपाया जैसी है, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। इसका टेक्सचर ऐसा लगता है, टेक्सचर वाइज मैं कहूँगी बहुत सॉफ्ट है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग भी है। इसमें लिखा है कि पपाया इज नोन फॉर फाइटिंग ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन, पपाया क्लियर्स द स्किन एंड लीव्स इट हाइड्रेटेड एंड सपल। मगर इसको लगाने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मेरी स्किन हाइड्रेट हुई है, या मुझे ये नहीं लगा कि ग्लो आया है किसी भी तरीके का, या मेरी पिगमेंटेशन हटी है, क्योंकि मैंने ऐसे फेस मास्क यूज़ करे हैं जो कि अफोर्डेबल हैं जैसे बायोटिक का या खादी का, तो वो मुझे डेफिनेटली एक बार में डिफरेंस दिखाते हैं और वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये टोटल फ्लॉप था मेरी तरफ से, अराउंड 4.5 out of 10। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये गुड वाइब्स का लिप स्क्रब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और इसकी भी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी। मोस्टली इसमें लेमन वाला फ्लेवर लोगों ने चूज़ किया था और उसकी तारीफ ज़्यादा सुनी थी, बट उसमें यही वो सब लोग बोल रहे थे कि इसका सिर्फ फ्रेग्रेंस और टेस्ट में हल्का सा फ़र्क है, इफेक्टिवनेस है वो हर में सेम है। MRP है 125 एक्चुअल में, बट ये मुझे डिस्काउंट के बाद पड़ा है 100 रुपीज़ का, और इसमें भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नेचुरल है। इसमें रॉ केन शुगर, कोल्ड प्रेस सनफ्लावर ऑयल, कोकोआ बटर, विटामिन ई एंड स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट वगैरह है। तो मैंने दो बार ट्राई करा, इसका मैं आपको क्लोज़अप शॉट भी दिखा दूँगी कि कैसे हैं प्रोडक्ट। इसमें थोड़ा सा मतलब ग्रैन्यूल्स सॉर्ट ऑफ हैं जो स्क्रब की तरह वर्क करेंगे। तो इसको मैंने विदाउट वाटर विद वाटर दोनों तरीके से ट्राई करा है और मुझे बिल्कुल इफेक्टिव नहीं लगा। मेरे लिप्स बिल्कुल ना पिंक हुए, ना कम चैप्ड हुए, मतलब ना ही कोई क्रैक्स कम हुए किसी भी वे में, मुझे नहीं लगा कि ये बिल्कुल इफेक्टिव है। दोनों बार में मुझे एक मिनट का फ़र्क नहीं लगा। 3.5 out of 10, ये भी टोटल फ्लॉप था मेरी तरफ से। हर यूट्यूबर एक फेस मिस्ट के बारे में ज़रूर बात कर रहा था, दो फेस मिस्ट, एक लैवेंडर और एक जैस्मिन। तो ये दोनों फेस मिस्ट भी गुड वाइब्स से हैं, और इसका प्राइस था 150 और ये मिला लेकिन मुझे 120 रुपीज़ का। तो ये जैस्मिन हाइड्रेटिंग मिस्ट है, इट्स क्लेमिंग कि ये हाइड्रेटिंग है
और इसमें क्लेम किया है कि जैस्मिन की एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है जो हेल्प करती है हील करने में स्किन को, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल जैस्मिन लाइक है, और जो फ्रेशनेस देता है ये फेस को वो भी अच्छा है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन ये हाइड्रेटिंग नहीं है। मुझे इससे इस मिस से कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं लगा स्किन पे, ऐसे नहीं लगा कि एकदम मेरी स्किन कोई रिफ्रेश्ड फील कर रही है। हाँ, वो 2 सेकंड का जो इफेक्ट देता है ऐसे, ये थोड़ी देर का अच्छा लगता है, अगर गर्मी में हो धूप में हो तो ये अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए तो खुश हो सकते हो। अब गुड वाइव्स ये क्लेम तो कर रहा है कि हम पैराबेन फ्री हैं, सल्फेट फ्री हैं, लेकिन ये चेक कौन करेगा, ये हमें कौन टेस्ट करके बताएगा कि सच में ये टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं और ये सच में केमिकल फ्री हैं और ये सच में हमारी स्किन पे अच्छे लगेंगे। मुझे एक नेल पॉलिश रिमूवर की ज़रूरत थी, तो मैंने NYB का ही नेल पॉलिश रिमूवर मंगाया, जो कि मुझे 49 रुपीज़ का पड़ा। ये अगेन बिल्कुल नेल पॉलिश नहीं हटाता, मतलब ऐसे बहुत ही थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है, थोड़ी देर लगती है। यूजुअली मैं लैक्मे का नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करती हूँ और वो बहुत इफेक्टिव है, वो 1 मिनट में ही एकदम से रिमूव करता है। प्लस इसने येलो स्टेन छोड़ दिया मेरी नेल्स पे, जो कि लैक्मे को यूज़ करने के बाद वही सेम नेल पॉलिश लगाने के बावजूद येलो स्टेन नहीं आता। और मेरी नेल पॉलिशेस नायका की हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं, मुझे आज तक कभी येलो नेल्स की प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इससे मैंने ब्रीदर देने के लिए आज कोई नेल पॉलिश नहीं लगाई है। अब आते हैं NYB की लिक्विड लिपस्टिक, जिसका अगेन बहुत ओवर हाइप है, हर यूट्यूबर ऑलमोस्ट सारे शेड्स लेके इनका वो कर रहे हैं। अगर आपको उनकी वीडियोस देखनी है तो मैं उनकी वीडियोस भी आपको नीचे लिंक में दे दूंगी, आप देख सकते हैं, शायद मेरा रिव्यू आपको उतना अच्छा ना लगे। लिक्विड लिपस्टिक्स, दीज आर वेरी अफोर्डेबल लिक्विड लिपस्टिक्स, नो डाउट अबाउट दैट, बट एंड ऑल्सो दे से they are super pigmented, transfer proof, dries off quickly, lightweight formula, long lasting and non flaky. Okay, super pigmented, yes totally they are super pigmented, no debate about that. Transfer proof, I can't say because image like if I put this on my lip and I did this after like 10 seconds it was transferring. I don't know if you need to dry it even more. Let's do a patch test probably. This was a brown color by the name of Retro Nights and I think I bought a wrong color, my fault. These are so sticky on your lips, super drying to your lips and plus they don't come off. ऐसे लगता है कि मतलब बड़ी देर बाद अगर तुम रिमूव करोगे, मैंने एक दिन थोड़ी देर तक लगा के रखा और उस पर मैंने एक नॉर्मल रिमूवर, मेकअप रिमूवर से ट्राई करा तो वो नहीं हटी, फिर मेरे को ऑयल यूज़ करना पड़ा, उसके बाद भी एक टिंट ऑफ द कलर रह गया था, विच आई डोंट थिंक इज़ गुड फॉर योर लिप्स। प्लस एक फ्रेग्रेंस आती है इसमें से अजीब सी, मतलब मेरे को नहीं लगता कि लिप प्रोडक्ट्स में कोई ऐसी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर योर लिप्स। किसी भी लिपस्टिक को ट्राई करना हो लोकली तो आप उसको स्मेल करके देख सकते हैं, अगर उसकी स्मेल अच्छी नहीं है या स्मेल ही है तो वो एक तरीके से अच्छा नहीं है आपके लिप्स के लिए। अब आई डोंट वॉन्ट टू बी टू हार्श टू दीज प्रोडक्ट्स, आई विल गिव देम अनदर चांस इन दिस कमिंग मंथ, but if I still don't like it I'll give you an update about it on my Instagram. moral of the story kya hai, research better. jab aap kisi ke products ko dekhte hain, review karte hain, to ek hi video ko mat dekhein, bahut sari videos ko dekhein, even regret buying those kind of products usme dhoonde list mein, jahan aapko pata chalega ki log sachi baat bhi bol rahe hain products ke bare mein, सिर्फ एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है या उनको कोई उससे फायदा। एंड डोंट ब्लाइंडली फॉलो समवन, इवन मुझे भी आप लोग बिल्कुल ब्लाइंडली मत फॉलो करो, आप मेरी भी बात को कम्प्लीटली मत मानो, अपनी रिसर्च करो, हो सकता है जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो आपको अच्छी ना लगे, तो इसलिए आप अपना टेस्ट एंड ट्राई करके चलो आगे। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोग सोचते हैं सस्ते प्रोडक्ट्स लेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट्स वैसे ही होंगे जैसे महंगे वाले। सस्ते और महंगे से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इफेक्टिव प्रोडक्ट्स ढूंढने चाहिए रादर दैन अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, तो ये बात मेरी ना भूलिएगा बिल्कुल भी। इनसे बेटर है कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करो एक स्किन प्रोडक्ट में और उसको अपने पास एक इन्वेस्टमेंट की तरह रखो, क्योंकि अगर आप एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट लोगे जो इफेक्टिव नहीं है वो भी आपका पैसा वेस्ट है। अब मुझे लगता है मेरे 500 रुपीज़ वेस्ट हो गए, बट ये एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, नहीं तो समझ कैसे आएगा कौन सा प्रोडक्ट कैसा है और मैं आपको फिर कैसे रिव्यू दे पाऊंगी कि ये वाले प्रोडक्ट्स मेरे लिए वर्क करें या नहीं। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक का बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और कमेंट करके बताइए कि अगर आपने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करें और ये अगर आपके लिए वर्क करते हैं या नहीं।
तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।